तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं एहसान कमर चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इस ऐप हाउ टू मेक आर सी ड्रोन के सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे पूरा असेंबल करके दिखाऊंगा, मैंने पूरा कंप्लीट करके आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को ESC सोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो ESC ये मैंने अभी दो ESC लिए हैं, एक हमें करनी होगी काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और एक करनी होगी हमें एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ये देख सकते हैं, ये एक ब्रशेस मोटर यूँ घूमनी चाहिए और एक इधर घूमनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सर्किट डायग्राम अभी आपको मैं दिखा दूंगा, और सर्किट डायग्राम को आप देख कर इसे सोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ सोल्ड करके मैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से सोल्ड हो चुका है, देख सकते हैं। मैं फोकस से कर दूं तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह ये कनेक्ट हो चुका है, और ये ब्रशेस मोटा अब ये इस तरफ ये क्लॉक वाइज घूमेगी अब ये। तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने ESC को सोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं सारे ESC को मैंने इस तरीके से सबको सोल्ड कर दिया है, और ये इस तरीके से सारे सेट बन चुके हैं। तो मैं ड्रोन बॉडी लूँगा, मैं ड्रोन बॉडी लेके अब इसमें मैं सारी चीज़ें सोल्ड करूँगा। आप देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो ड्रोन बॉडी है, जो ड्रोन बॉडी इसमें प्लस और माइनस के साइन है, या देख पा रहे होंगे इसमें प्लस माइनस साइंस हैं। आपको इसे देख कर सोल्ड करना है। तो गाइस अब मैंने इस ड्रोन का जो नीचे का बोर्ड है मैंने वो ले लिया, आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं अगर जूम करूँ तो प्लस और माइनस के साइन बने हुए हैं सब में। तो जो ESC का ये रेड वायर है ये पॉजिटिव है, और जो ये वाला ब्लैक वायर है ये नेगेटिव है। हमें इस सारे सर्किट बोर्ड में इस तरह कनेक्ट कर लेना। पहले से मैंने इसमें हल्के से मैंने सोल्डिंग वायर लगा दिया है, जिसकी वजह से मुझे इजी होगा इसे सोल्ड करने में। और आप जो ये वाला देख रहे हैं ये प्लस और माइनस है, इसमें मैंने जो वाला कनेक्ट आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था ये वाला कनेक्ट है, इसमें कनेक्ट होगा। इसका जो रेड वायर है पॉजिटिव है, और जो ब्लू वायर है वो नेगेटिव है। हमें इन सबको इन सारी जगहों पर कर दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आपको बेनिफिशियल हो जाएगी। जो मैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो ब्रश शेफ मोटर चलेगी वो इधर लगेगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज पे चलेगी वो इधर लगेगी, जो इस तरफ घूमेगी। और इसी तरीके से जो यहाँ लगा है वही वाली मोटर यहाँ लगेगी, और जो यहाँ लगी है मोटर वो यहाँ पे लगेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो ईजी हो जाएगा। आप लोगों को अरे ESC को इस पर सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा सर्किट बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा सर्किट इस तरीके से सोल्ड कर दिया है। सारी ESC और सारी ब्रशेस मोटर इस तरीके से लग चुकी हैं, और इस तरीके से आया है। अब मुझे ये करना है कि अब मुझे ये सारे जो आर्म्स हैं इसे इस पर कनेक्ट कर देना है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे कनेक्ट करके। तो गाइस मैं आपको ड्रोन असेंबल करके दिखाता हूँ किस तरीके से असेंबल होता है। तो मैंने ले लिया है स्क्रू ड्राइवर, इसे असेंबल करके दिखा देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये रे इसके सारे नट्स जो इसमें बोर्ड पे लगेंगे, और जो आप देख सकते हैं जो ये वाला है और जो ये वाला है, ये वाला आगे लगेगा और ये वाला जो है वो पीछे लगेगा। तो मैं इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। अगर इसमें आपको ये चीज़ बताना भूल गया, देख सकते हैं सारी जगह पे जितनी भी सोल्डरिंग हुई है ना, यहाँ पे मैं ग्लू गन लगा दूंगा। यहाँ पे जो ये रखी हुई ना ये वाली ग्लू गन,
मैं ये यहाँ पे ये वाली ग्लूगन लगा दूंगा। इससे ये होगा कि जितने भी सोल्डरिंग हुई भी सारी परमानेंट हो जाएंगी, और उससे अगर ड्रॉन उड़ा होगा कि डर नहीं लगेगा कि इसके सोल्डरिंग खुल के ये गिर जाए नीचे। तो कैसा, मैं हर जगह पे ग्लूगन लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ग्लूगन, मैं हर जगह पे ग्लूगन लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने हर जगह पे ग्लू गन लगा दी है अच्छे तरीके से, और ये हर जगह सूख चुकी है। अब ये सारी जगह परमानेंट हो गई हैं, और अब इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ड्रोन उड़ाने में, और डर भी नहीं लगेगा कि गिर जाएगा और कुछ हो जाएगा इसे। हमें वापस से बाकी काम शुरू कर देता हूँ जो मैंने ये लगाना छोड़ दिया था अभी ग्लू गन लगाते वक्त। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नीचे के ड्रोन के फ्रेम के जितने भी आर्म से मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे ये इसके ऊपर कनेक्ट कर दूंगा, और ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर सर्किट सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये पूरा मैं बना चुका हूँ, ये पूरा ड्रोन फ्रेम जो है वो पूरा कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो ड्रोन फ्रेम है पूरा कनेक्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं नीचे से भी। और अब मैं जो करूँगा, अब ये ईएससी है, और ये सारी ब्रशलेस मोटर जितनी भी ब्रशलेस मोटर्स हैं ये सारी मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। ईएससी में सारे सीरीज में सारी कनेक्ट करके मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके का होता है। अब देख सकते हैं गाइस कि मैंने सारी ब्रशलेस मोटर इस पर कनेक्ट कर दी हैं, या देख सकते हैं इस तरीके से सारी इस पर कनेक्ट हो गई हैं। देख सकते हैं ये सारी आपस में कनेक्ट हो गई हैं, और सबके ये ईएससी के वायर निकलाएं, सारे ईएससी के वायर निकलाएं, और हमें इसको यहाँ से निकाल देना है बाहर। और गाइस मैं आपको कहूँगा जो जितने भी इसके नीचे जितने भी नट्स लगे हुए ना, इन सबको अच्छी तरह टाइट कर लें, वरना ये उड़ते हुए ना प्रॉब्लम देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि सब सारे नट्स को अच्छी तरह टाइट कर लें। देख सकते हैं इस तरीके से सारे वायर निकल आए, इस तरीके से सारे वायर हमने जगह से निकाल लेना, बीच में लगेगा KK 2.1.4। और मैं आप लोगों को बताता हूँ इस तरीके से बन चुका है। तो गाइस अब हमने करना क्या है कि हमने ईएससी को इस तरीके से रखना है, और हमने ये टेप लगा देना है इस पर। तो आप देख सकते हैं ये सारी जगहों पे मैंने ये सारी लगा दी है टेप। आप देख सकते हैं ये जगह पे, ये जगह पे, सारी जगह पे मैंने टेप लगा के बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। अब ये हिला झुला भी तो गिरेगा नहीं, सारे वायर्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सारे वायर आ चुके हैं। अब फाइनल काम ये करना है कि हमें इस पर अब KK 2.1.5 फ्लाई बोर्ड लगा देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमें फ्लाई बोर्ड लगा देना है, और मैं इस पर यूज़ करने वाला हूँ डबल साइडेड टेप इसे लगाने के लिए। अब इसे नट बोल्ट के ज़रिए भी लगा सकते हैं, और मैं इसमें दो टेप यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा मज़बूत करना चाहता हूँ कि उड़ते हुए मैं ज़्यादा गिरे ना, और कहीं गिर ना जाए, और ज़्यादा गिरे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गिरे ना। और मैं अब इसे ये दोनों लगा दिए मैंने, अब इसके ऊपर मैं फ्लाई बोर्ड अब कैसे लगा दूंगा। और अब मैं ये देख सकते हैं मैंने सारे सही से लगा दिया है, और मैं इसके ऊपर यार फ्लाई बोर्ड लगा दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं फोकस हो जाए, देख सकते हैं जो इसके ऊपर एरो दिख रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये फ्रंट साइड होनी चाहिए इसकी। तो मेरे फ्रंट साइड ये रेड वाला हिस्सा है, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसके फ्रंट साइड लगाने वाला हूँ। तो अब मैं इसे इस पर कनेक्ट कर दूँगा, ये देख सकते हैं ये रहा एरो, और इसको जगह पे मैं लगा दूंगा। तो अब मैं इस पर ये कनेक्ट कर देता हूँ, और ये तो मैं थोड़ा सा स्टेबल कर रहा हूँ कि इस पर कुछ हो ना। और अब देख सकते हैं लगा दिया, और ज़्यादा ना आप कुछ अगर डबल साइडेड टेप लगाएं तो ज़्यादा बैलेंस लगाइएगा, वरना ड्रोन स्टेबल नहीं उड़ेगा। तो देख सकते हैं मैं ये लगा चुका हूँ, और अब हमें ये करना है कि अब इसके कनेक्शन करने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं जो पहला वाला है ये वन मोटर है, ये सेकेंड मोटर है, ये वाली थर्ड मोटर है, और ये वाली फोर्थ मोटर है। और अब हमें ई एस सीज़ को अब इस पर कनेक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले वाले में सबसे पहले वाली मोटर का ई एस सी का वायर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ये वाला वायर इस पे लगा दूंगा,
तो आप देख सकते हैं ये लगा दिया। और लेफ्ट साइड के मोटर है वो फर्स्ट वायर है, इसे हम तो से फर्स्ट कनेक्शन पे लगा देंगे, देख सकते हैं ये लगा दिया। और सेकंड को हम सेकंड पे लगा देंगे, ये देखिए ये वाला सेकंड है, हम इसे सेकंड पे लगा देंगे। और थर्ड को हम थर्ड पे लगा देंगे, देखिए मैंने सेकंड लगा दिया है। और उसके बाद हमें इसे अब थर्ड को थर्ड पे लगा देना है हमें, ये देख सकते हैं वाला थर्ड है, और इसे हम थर्ड कनेक्शन पे लगा देंगे। ये देखिए मैंने ले लिया है और मैं इसे थर्ड कनेक्शन पे लगा रहा हूँ, और ये थर्ड कनेक्शन लग गया। और लास्ट वन हमें फोर्थ में लगाना है, ये एट ESCs को एक्सेप्ट कर सकता है, ये मतलब कि एट प्रोपेलर वाला ड्रोन है ये बना सकते हैं, लेकिन मैं फोर वाला बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे फोर का पिंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन फोर्थ वाला भी मैं लगा चुका हूँ और ये अब सारे कनेक्ट हो गए हैं। और अब ये वाली साइड अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। और अब मैं आपको रिसीवर को कनेक्ट करने का तरीका बता दूँगी, रिसीवर किस तरीके से कनेक्ट होगा इस पर। तो मैं रिसीवर के सिर्फ फोर चैनल यूज़ करने वाला हूँ, इसमें सिक्स चैनल मैंने रिसीवर यूज़ किया, लेकिन मैं यूज़ करने वाला हूँ सिर्फ फोर चैनल। तो मैं सिर्फ फोर चैनल पर चीज़ें कनेक्ट करूँगा, और अब मैं इसे कनेक्ट करना शुरू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम ये वाली जो साइड लेफ्ट साइड, इसके लिए में जो हमें जंपर वायर्स मिले थे ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले लेना है जो मेल फीमेल टू फीमेल वायर लेना है, और ये वाला वायर लेना है हमें, और इसके बाद हमें कनेक्ट कर देना है इससे। तो आप देख सकते हैं जो ये वाली साइड है इस पे जो प्लस माइनस के जो यहाँ पे स्टील की साइड दिख रही है जहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं, इसे हमें अपनी डायरेक्शन में लगाना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगा देना है हमें, ये वाला ये सर जो दिखने वाली साइड है वो फ्रंट पे होनी चाहिए, हमारी तरफ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे लग गया है। और इसके बाद जो दूसरा वायर है जो हमें सब मिला है, जो वन फीमेल वायर है, उसके बाद थ्री फीमेल वायर से कनेक्ट हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाला वायर जो है लास्ट वन, उसे भी इसी तरीके से लगाना है, लेकिन हमें जो राइट साइड के जो हमें वर्टिकल साइड पर लगाना है, देख सकते हैं वर्टिकल लगा रहा हूँ मैं, आपको इस तरीके से इस पर कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कनेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद हमें ये करना है कि रिसीवर पे हमें वायर अब कनेक्ट कर लेने हैं, अब यहाँ का भी काम ख़त्म हो चुका है, अब रिसीवर पे सारे वायर कनेक्ट कर लेने हैं हमें। तो कैसे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वायर कनेक्ट हुए हैं इस पिक्चर में, जो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमें करना ये है कि अब हमें इस पर अपना रिसीवर कनेक्ट कर लेना है। तो रिसीवर में जो फर्स्ट चैनल है, उस फर्स्ट चैनल पर जो सबसे पहला वायर हमने लगाया था उसे हमने कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख के येगा कि प्लस का प्लस साइड में होना चाहिए, माइनस का माइनस पे, और रिसीवर में ही लिखा होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कनेक्ट कर लेना है, आप देख सकते हैं ये हमें इस तरीके से इस पे कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा बाकी के तीन पिंस हैं उसे भी हमें इस तरीके से अब कनेक्ट कर लेना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ चैनल पे हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। तो अब हमें करना ये है कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने लगाया, सबसे फर्स्ट वायर जो है वाइड वाला हमारा सेकेंड चैनल पर लगेगा, और देख सकते हैं वाइड वाला मैंने ले लिया और ये सेकेंड चैनल पर लगेगा। आप देख सकते हैं वाइड वाला है, और वाइड वाला मैं सेकेंड चैनल पर लगा दूँगा इसमें, ये देखिए सेकंड चैनल पे लग गया। और उसके बाद मैं लगाऊंगा अब जो ब्लैक वाला वायर है वो लगेगा हमारा थर्ड चैनल पे। अब देख सकते हैं थर्ड चैनल पे हमारा ब्लैक वाला नहीं रेड वाला लगेगा, हमारा रेड वाला लगेगा हमारा थर्ड चैनल पे, और उसके बाद लास्ट में लगेगा हमारा ब्लैक वाला, ये मैंने थोड़ा सा कलर लगा दिया है, हमारे साथ ब्लैक वाला लगेगा एंड में सबसे, ये मैंने सबसे रेड वाला लगा दिए, मैंने थोड़ी गलती कर दी है इसमें, मगर ब्लैक वाला लगेगा। और उसके बाद ये पूरा हमारा सर्किट डायग्राम बन चुका है। अब हमें रिसीवर को इस यहाँ पे डबल साइड टेप के ज़रिए यहाँ पे मैं चिपका लूँगा, और अब हमारा पूरा सर्किट डायग्राम ये बन चुका है। हमें देखें मैं ये डबल साइड टेप ले रहा हूँ और इसे मैं इसे चिपका लूँगा। अब इसमें टाई जो टाइयाँ होती हैं केबल टाई आती है उससे भी आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। मैं वैसे बोलूँगा वो उससे लगा लें, थोड़ा सा परमानेंट हो जाएगा, लाइट वेट भी होता है, मेरे पास वो थे नहीं तो मैं इसलिए डबल साइडेड टेप के ज़रिए लगा रहा हूँ सारी चीज़ें। और जो मैंने ESCs भी लगाई हैं, आप चाहें तो टाई से लगा सकते हो सारी चीज़ें। और देख सकते हैं ये लग चुका है और हमारे पूरा काम अब हो चुका है।
और गाइस अब लास्ट में ये करना है कि हमें अब ये बदर लगा देना है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस बदर किस तरीके से लगता है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ब्लैक कलर के आपको दो कनेक्टर दिख रहे हैं, ये जो दो पिंस निकली हुई हैं उस पर आपका ये बदर लग जाएगा, इसका कनेक्टर लग जाएगा। और आपको जो दूसरा रेड कलर का दिख रहा है इसी के बराबर में, वो वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी का, लेकिन मेरे पास वो है नहीं तो इसलिए मैं वो वहाँ पर कनेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। और ये बदर लग चुका है और हमें अब कुछ भी नहीं करना है, मैं डबल साइडेड टेप के ज़रिए ये भी लगा लूँगा। और देख सकते हैं ये पूरा बन चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये पूरा ड्रॉन कंप्लीट हो चुका है, ये देखें आप पूरा ड्रॉन अब पूरा असेंबल हो चुका है। और मैंने अभी अनफॉर्चुनेटली इसके ड्रॉन के चार पार्ट बनाने पड़ देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इसे अभी असेंबल करके दिखाया। अगर मैं प्रोग्राम करने का भी इसमें साथ डाल देता बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, जिसमें मज़ा नहीं आता कि आप लोगों को भी नहीं आता और वीडियो एक अच्छी नहीं बनती तो बोरिंग हो जाती, तो इसलिए मैं सिर्फ असेंबल का आज वीडियो का पार्ट डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसे प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, और उसके बाद वाली वीडियो में मैं इसे फ्लाई करके टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।